हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार अजय स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है GDS टू पोस्टमैन एग्ज़ाम और MTS टू पोस्टमैन एग्ज़ाम जो कि यूपी सर्कल में हुआ था। आज उसके सॉल्यूशन को देखते हैं। पहला प्रश्न था, व्हाट इज़ द मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड फॉर एन TD अकाउंट, यानी कि जो TD अकाउंट होता है उसको खोलने के लिए कितने न्यूनतम राशि की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए होती है 1000 रुपये की, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दो में है, डाकघर ATM द्वारा प्रति नगद निकासी की अधिकतम सीमा क्या है, यानी कि कैश विदड्रॉल लिमिट पर ट्रांजेक्शन्स क्या है। तो इसके लिए जो पर ट्रांजेक्शन की लिमिट है वो है 10,000 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ ट्रांजिट मेल ऑफिस, पारगमन मेल कार्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जो ट्रांजिट मेल ऑफिस होती हैं TMOs होती हैं वो ओनली और ओनली क्लोज बैग को रिसीव और डिस्पैच से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चार में पूछा गया है कि जो ऑटोमेटेड मेल प्रोसेसिंग सेंटर्स आर फंक्शनल इन, यानी कि जो स्वचालित डाक संसाधन केंद्र कार्यरत हैं वो कहाँ पर हैं। बेसिकली अगर वॉल्यूम 5 से इसका आंसर देखते हैं तो इसका आंसर है चेन्नई एवं मुंबई, यानी ऑप्शन नंबर बी। वहीं जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट जो होती है पोस्ट ऑफिस की, एनुअल रिपोर्ट के अनुसार देखें तो दिल्ली और कोलकाता में भी AMPC की स्थापना की गई है। तो इस प्रश्न को अकॉर्डिंग टू मी इसको होना चाहिए था डिलीट, लेकिन वहीं आंसर इसका देखेंगे वॉल्यूम 5 से ऑप्शन नंबर बी आएगा, वॉल्यूम 5 से आएगा ऑप्शन नंबर बी, और वहीं जो लेटेस्ट के हिसाब से आएगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, मेल बैग्स एक्सचेंज बिटवीन अ कैश ऑफिस एंड अ सब ऑफिस आर इंडिकेटेड इन मेल लिस्ट अंडर द लेटर। बेसिकली जो कि मेल बैग्स हैं एक्सचेंज किए जाते हैं कैश ऑफिस और सब ऑफिस के बीच में, उन्हें मेल लिस्ट में किस लेटर से दर्शाया जाता है। तो उनको दर्शाया जाता है मेल लिस्ट में लेटर F से, यानी ऑप्शन नंबर D इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ए ऑर्डर्स इशूड बाई सुपरिटेंडेंट ऑफ द RMS प्रिस्क्राइब। तो ए ऑर्डर्स को इशू किया जाता है RMS के सुपरिटेंडेंट के द्वारा, और जो के शॉर्टिंग लिस्ट में चेंजेस किए जाते हैं उनके संदर्भ में किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में है कि द टर्म बीट परटेंस टू, कि जो बीट शब्द है वो किसके लिए है। तो बीट शब्द का जो इस्तेमाल किया जाता है वो RMS सेक्शंस के लिए भी किया जाता है और डिलीवरी पोस्ट ऑफिस है उनके लिए भी किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जो फॉरेन पोस्ट ऑफिस हैं वो कहाँ पर सिचुएटेड नहीं है, कहाँ पर लोकेटेड नहीं है। तो जो विदेशी डाकघर हैं वो दिल्ली, मुंबई और कोची में स्थापित हैं, लेकिन लखनऊ में कोई भी फॉरेन पोस्ट ऑफिस नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में है कि कमर्शियल आइटम्स आर एक्सपोर्टेड थ्रू द पोस्टल चैनल यूजिंग, कि यानी कि जो वाणिज्यिक वस्तुओं के निर्यात में जो डाक प्रणाली को प्रयोग में लाया जाता है वो कौन सी है। तो जो प्रणाली यूज़ की जाती है वो की जाती है पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट्स, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में है, विच इज़ नॉट अ कैटेगरी ऑफ बैग ऑफिस, बैग ऑफिस की कौन सी एक कैटेगरी नहीं है। तो बैग ऑफिस बेसिकली होते हैं 3 प्रकार के, यूनिट बैग ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस और सर्कल बैग ऑफिस और सेंट्रल बैग ऑफिस, 4 तरीके के बैग ऑफिस को कैटेगराइज किया गया है। वहीं जो रीजनल बैग ऑफिस है वो ये कोई भी कैटेगरी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है कि नेशनल सॉर्टिंग हब्स डील्स विद, यानी कि जो राष्ट्रीय छटाई केंद्र होते हैं वो किस का निपटान करते हैं। तो राष्ट्रीय छटाई केंद्र निपटान करते हैं स्पीड पोस्ट लेटर्स, पार्सल एंड इंटरनेशनल EMS का, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कि लेटर बॉक्स से इलेक्ट्रॉनिक पत्र निकासी हेतु प्रयोग में लिए जाने वाला सॉफ्टवेयर क्या है। बेसिकली कि जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है लेटर बॉक्स की क्लियरेंस के लिए उसे कहते हैं नन्हेता ऐप, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में है कि बेटमेंट सिस्टम अप्लाइज टू ट्रांसमिशन ऑफ बैग्स, थैलों के हस्तांतरण से में वजन प्रणाली लागू होती है। बेसिकली जो बेटमेंट सिस्टम है वो ट्रांसमिशन ऑफ बैग्स के लिए अप्लाइड होता है। तो वो
किन के लिए होता है? तो बेसिकली ये किया जाता है इन द कस्टडी ऑफ द रेलवे गार्ड्स ऑफ इंडिया रेलवे, भारतीय रेल के जो रेलवे गार्ड्स हैं उनकी अभिरक्षा में इनको अप्लाई किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इन अ मेल लिस्ट द लेटर एल स्टैंड फॉर, यानी कि जो मेल लिस्ट होती है उसमें जो लेटर एल यूज़ किया जाता है उसका मीन्स क्या होता है? तो उसका मीन्स होता है लेटर बैग, यानी कि 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं क्वेश्चन नंबर 15, फॉर्म पी ए फोर एस, इसको छोड़ देते हैं आपके लिए और इसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 15 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में है कि जो रूल 73 और 74 हैं, 73 एंड 74 है पोस्टल मेल वर्क 6 के पार्ट 3 में, वो किससे संबंधित हैं? बेसिकली वो संबंधित है बीओ समरी से, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉट अ ड्यूटी ऑफ हेड पोस्टमैन, हेड पोस्टमैन की ड्यूटी कौन सी नहीं है? तो बेसिकली इसके जो ऑप्शंस हैं वो आपको दिए हुए हैं, ये रहे चार ऑप्शंस, खजाने से नकदी का लेन देन, डाकियों द्वारा वितरित लौटाए गए अवितरित पत्रों की प्राप्ति, और सी में छोटी शिकायतों की जांच करने हेतु नियुक्त। ऑप्शन नंबर डी में डाकघर, डाकपाल की अनुपस्थिति के समय डाकघर का कार्यभार ग्रहण करना, इसको भी छोड़ जाते हैं आपके लिए। और इसका जो आंसर है रेफरेंस दे देता हूँ, पोस्टल मैनुअल 6 का जो पार्ट 3 है उसमें से आपको मिल जाएगा पार्ट 3 से। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, पोस्टमैन्स बुक इज मेंटेन इन फॉर्म, पोस्टमैन की जो बुक होती है वो किस फॉर्म में मेंटेन की जाती है, किस फॉर्म में उसको बनाया जाता है? तो इसको प्रिंट करवाया जाता है MS 27, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इन विच फॉर्म डज द हेड शॉर्टिंग असिस्टेंट ऑफ अ सेट सबमिट इज डेली रिपोर्ट, यानी कि जो हेड शॉर्टिंग असिस्टेंट होता है किसी भी सेट का वो डेली रिपोर्ट किस फॉर्म में सबमिट करता है डेली? तो डेली रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए जो फॉर्म है वो है MS 83, यानी कि 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, MNOP परियोजना के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? बेसिकली विच ऑफ द फॉलोविंग इज ट्रू ऑफ द मेल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट, मेल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट के संदर्भ में, ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों सही हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में जीके से है, ब्यास नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ब्यास नदी की उत्पत्ति होती है हिमाचल प्रदेश से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है कि वेन वॉज तेलंगाना डिक्लेयर्ड अ स्टेट, तेलंगाना को राज्य कब घोषित किया गया? तेलंगाना को राज्य घोषित किया गया था 2014 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान का कौन सा शहर चूहों के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो चूहों के मंदिर के लिए जो मंदिर प्रसिद्ध है वो करणी माता का, और वो है बीकानेर में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 25 या आर्टिकल 25 संबंध है किसी भी धर्म को मानने के अधिकार से, राइट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में है कि जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है वो कौन है? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है वो है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था वो था बोरिन हॉस्टिंग्स, यानी ऑप्शन नंबर बी 25 का हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, निम्न में से किस राज्य में 2021 में राज्य का चुनाव नहीं है, यानी कि विच स्टेट डज नॉट हैव अ स्टेट इलेक्शन इन 2021, 2021 में जो स्टेट के जो चुनाव हैं वो वेस्ट बंगाल में है, तमिलनाडु में है, असम में भी है, यानी उत्तराखंड में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में विच क्रिकेट प्लेयर हैज़ नॉट रिसीव्ड द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, किस क्रिकेट खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार नहीं मिला है? विराट कोहली को, MS धोनी को, रोहित शर्मा को, और उनके साथ सचिन तेंदुलकर को मिल चुका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, सौरभ गांगुली को नहीं मिला, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में निम्नलिखित में से क्या महात्मा गांधी का साहित्यिक रचना नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ लिटरेरी वर्क ऑफ महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है हिंद स्वराज, इंडियन ओपिनियन अखबार भी है, और यंग इंडिया भी है, यानी कि युगांतर नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, और युगांतर के ऑथर हैं अरविंद घोष। क्वेश्चन नंबर 29 में है, उस्ताद अली अकबर खान कौन से
वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं वो उस्ताद अली अकबर खान वो बजाते हैं सरोद को, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि हम सहकर्मियों के साथ सामूहिक रूप से कार्य करते हैं तो हम क्या प्रदर्शित करते हैं? ऑप्शन ए उत्पादकता, ऑप्शन बी सामूहिक कार्य, ऑप्शन सी योजना, ऑप्शन डी संचार। तो यदि हम सहकर्मियों के साथ सामूहिक रूप से कार्य करते हैं तो हम एक टीम वर्क को यानी कि सामूहिक कार्य को प्रदर्शित करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 में है कि मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद सही आंसर निकलेगा वो निकलेगा -7/30, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, 32 भी मैथ से क्वेश्चन है, और 175 रुपये की कोई वस्तु को 350 रुपये की हो जाती है, यानी कीमत उसकी हो जाती है दोगुनी 350 रुपये की, तो कीमत पुस्तक की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? तो इसमें हो जाती है 150, यानी 100% की, यानी कि पहले था 175 और अभी भी हो गया 175 प्लस, ये हो गया 350, और 350 के साथ में जो वृद्धि होती है वो हो जाती है 100% की, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 में है कि कुछ वस्तुओं का लागत मूल्य 1240 रुपये है, किस मूल्य पर विक्रय किया जाए कि 15% का लाभ हो? तो 15% का लाभ निकालने के लिए अपने को निकालना है विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य, और इसको सॉल्व करने पर आएगा 1426, यानी कि 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 34 में है कि 20,000 रुपये 5 वर्ष में 25,000 रुपये हो जाते हैं, तो साधारण ब्याज की दर क्या है? तो बेसिकली 20,000 के हो जाए 25,000, इसका मतलब हो गया 5,000 रुपये की होगी इस पर ब्याज, तो ब्याज के बाद में आ जाएगा पी, पी है इसका 20,000 रुपये, आर अपने को पूछा है, टाइम हो जाएगा इसका 5 वर्ष/100, और इसको सॉल्व करने पर जो इसका आंसर निकलेगा वो निकलेगा 5%, यानी 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 35 में है कि 9 छात्रों के औसत अंक थे 94, 9 के थे 94 तो टोटल हो जाएंगे, और एक नए छात्र के भर्ती होने से औसत गिरकर हो गया 90 हो गया औसत, और टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे अब 10। तो पूछा है कि जो नए छात्र के अंक हैं वो क्या हैं? तो बेसिकली इसका मल्टीप्लाई करना है, और इसका जो मल्टीप्लाई करना है इसके मल्टीप्लाई में से इसका मल्टीप्लाई माइनस करना है, तो आएगा 54, 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, 36 में है कि दिल्ली और जयपुर के बीच में दूरी है 280 किलोमीटर की, और इसको टाइम लगता है 4 घंटे, तो स्पीड पूछा है, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा 70 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट वन इज 37, क्वेश्चन नंबर 37 में है कि राहुल और उसका करते हैं दोनों मिलकर 1/3 घंटे में कार्य, और अकेला राहुल करता है 1/5 घंटे में, और दोनों मिलकर करते हैं 3 घंटे में, और पूछा गया है कि रुसिका के कार्य घंटे की दर क्या है? तो एक्स की जब वैल्यू निकालते हैं तो वो निकलेगी 2/x की वैल्यू निकलेगी 15/2, और 1/x की वैल्यू निकलेगी 2/15, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट वन इज 38, क्वेश्चन नंबर 38 में है कि मनीष ने 360 रुपये में 12 चॉकलेट खरीदी, तो एक चॉकलेट की कीमत हो जाएगी 30 रुपये, और 20 चॉकलेट खरीदने में इसको करने होंगे 30×20 रुपये खर्च, यानी कि हो जाएगा 600 रुपये, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, 39 में करना है इसको सॉल्व, सॉल्व करने में बेसिकली इसको करेंगे सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व, ब्रैकेट में भी करेंगे डिवीज़न को सॉल्व, तो 30/52 ये हो जाएगा -15, 40/2 हो जाएगा 20, +-10 यहाँ दिया हुआ है, और ये ऑलरेडी ब्रैकेट में है, -3 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 20/15+10 हो जाएगा -25, और प्लस का था 20, ये था ब्रैकेट के अंदर, और माइनस यहाँ लगा हुआ है, ये हुआ है -3, तो यहाँ से निकलेगा -5, और -5 को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 5 में -3 करेंगे तो ये आएगा पॉजिटिव का 2, यानी +2, तो 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में कि सेब ने अपनी पुस्तकों का 1/7 भाग भेज दिया है, और उसके पास जो बची हैं 18 पुस्तकें, तो उसके पास में पहले कितनी बुक थी? तो बेसिकली उसके पास बुक थी एक्स,
बेसिकली उसके पास बुक थी एक्स, और एक्स का उसने भेज दिया 1/7 भाग जो कि 18 के बराबर, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6x/7 आएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 18, 18 को 6 से करेंगे 3 और 3x/7 आ जाएगा 21, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, 41 में 3×9=27, ये 3×9=27 में प्लस 2 करने पर आ रहा है 29, और 9×12 करने पर आ रहा है 108, में 2 ऐड करने पर आएगा 110। बेसिकली यहाँ पर क्या करना है कि 6×8 हो जाएगा 48 प्लस 250, तो जो फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा 8, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 में है कि नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं। इस क्वेश्चन को करते हैं फिलहाल के लिए स्किप और नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन में है कि नीचे दिए गए प्रतिरूपों को देखें, बेसिकली इसके बाद में क्या नेक्स्ट फिगर आएगा उसको पूछा गया है। तो बेसिकली यहाँ पर हो रहा है कि एक बार स्टार है वो यहाँ पर है, फिर स्टार आ जाता है यहाँ, फिर स्टार यहाँ पर स्टे करता है, फिर स्टार आ जाता है यहाँ। बेसिकली वो क्या रहा है कि ये देखने वाली बात ये है कि ये दोनों फिगर के बीच में ना, ये दोनों के बीच में एक स्टेप खाली रह रहा है, यहाँ पर दोनों मिल जाते हैं, फिर अगले में एक स्टेप खाली रह जाता है, फिर दोनों एक जैसे हो जाते हैं। नेक्स्ट जो फिगर आएगा उसमें एक का बेसिकली जगह छोड़नी होगी, यानी डिफरेंस एक का आएगा। तो इसके हिसाब से देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके सही ऑप्शन कौन से हैं, और सही ऑप्शंस में जो जगह खाली छोड़ी हुई है यानी कि ऑप्शन नंबर A43 का हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 में है कि ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, फिगर को पूरा करना है, ये वाली जो लाइन है इसमें एक साइड में इधर ये दिया हुआ है सर्कल सा, और ये नेक्स्ट है वो अगली तरफ दिया हुआ है। तो बेसिकली जब इस लाइन को कंप्लीट करेंगे तो यहाँ सर्कल है, यहाँ वाला जो डॉट है या जो सर्कल है वो बेसिकली इस लाइन को कंप्लीट करते टाइम इधर वाली जगह पर आएगा, यानी बेसिकली फिगर नंबर ए और बी में से एक ऑप्शन होगा, सी और डी हो जाएंगे कैंसिल। और बेसिकली इसमें दिया हुआ है बी वाले में कि ये पूरा फुल किया हुआ है, बेसिकली यहाँ पर पूरा फुल नहीं किया हुआ है, यहाँ पर हाफ ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 का समझ ही नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, विच मेल प्रोडक्ट हैज़ बीन रिसेंटली बीन डिसकंटिन्यूड, यानी किस डाक उत्पाद की सेवाओं को हाल ही में बंद किया गया है। तो ये किया गया है एक्सप्रेस पार्सल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 में है कि व्हाट इज़ अ नोडल डिलीवरी सेंटर, यानी कि NDC क्या है पूछा गया है, नोडल वितरण केंद्र क्या है। तो पार्सल वितरण हेतु अधिकृत केंद्र को कहा जाता है नोडल वितरण केंद्र, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 में है कि RTN क्या है, RTN की फुल फॉर्म है रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 में है कि अगर कोई व्यक्ति जो इतनी जो अमाउंट है, यानी कि लगभग इतना अमाउंट वो मंथली अगर उतना बिजनेस दे रहा है कोई BNPL का जो ग्राहक है, तो उसको कितने प्रतिशत की छूट मिलेगी। तो उसके लिए है 25% की छूट, यानी 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 50 में देश में कुल कितने परमंडल है, तो देश में टोटल है 23 परमंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, विच कैटेगरी ऑफ द फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस आर नॉट इशूड, बेसिकली इंडिविजुअल, कमर्शियल और डिपार्टमेंटल की जो कैटेगरी है इनमें लाइसेंस फ्रैंकिंग मशीन के दिए जाते हैं लेकिन डिफेंस के नहीं दिए जाते, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 में कि पिन कोड 900056 और 900099 किन के लिए हैं। तो ये हैं बेसिकली 56 APO और 99 APO के लिए। बेसिकली जो 56 और 59 है जो पीछे दिया हुआ है ये यही बताता है, 56 APO 99 APO, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 में स्पीड पोस्ट का वितरण कहाँ किया जाता है, तो बेसिकली इसका वितरण किया जाता है ओनली द एड्रेस ही और इस फैमिली मेम्बर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, जो न्यस्त डाक है उसकी कितनी समयावधि तक डाकघर में रोकी जा सकती है, फॉर वॉट ड्यूरेशन कैन पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल बी रिटेन इन द पोस्ट ऑफिस, तो इसके लिए है 1 मंथ, 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, किन मामलों में पंजीकरण अनिवार्य है।
अगर कोई पार्सल 4 किलोग्राम से ज़्यादा हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इंश्योर्ड आर्टिकल और बीपी आर्टिकल को भी पंजीकरण करवाना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट वन इज 56। 56 में है कि कैंप थैले एवं कैंप वस्तु नहीं भेजे जा सकते हैं। कैंप बैग्स एंड कैंप आर्टिकल कैन नॉट बी सेंट फॉर चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी और डी इसके होने चाहिए सही आंसर। दोनों का जिक्र पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट में नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 56 का वो हो जाएगा सी एंड डी। नेक्स्ट वन इज 57। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। डाक जीवन बीमा, ग्रामीण डाक जीवन बीमा किस वर्ष में प्रारंभ की गई? तो PLI को इंट्रोड्यूस किया गया था 1 फरवरी 1884 को, और PLI को किया गया था 1995 में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। 58 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सप्लाई टू एवरी सेट, प्रत्येक सेट को क्या नहीं दिया जाता? तो ओब्लॉन्ग स्टैम्प्स को नहीं दिया जाता, यानी आयताकार जो मोहर है वो हर सेट को नहीं दी जाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट वन इज 59। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ RPLI? RPLI का कौन सा पार्ट नहीं है, यानी कि ग्रामीण डाक जीवन बीमा के तहत कौन सी पॉलिसी नहीं दी जाती है? तो युगल सुरक्षा को नहीं दिया जाता है, 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 60 में है कि व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री फॉर WLA स्कीम ऑफ PLI, यानी कि जो सुरक्षा स्कीम है PLI के, उसके तहत मिनिमम और मैक्सिमम एज क्या है? तो मिनिमम और मैक्सिमम एज की जो लिमिट है वो है 1955 वर्ष, यानी कि मिनिमम 19 और मैक्सिमम 55, 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट वन इज 61। 61 में है कि फॉर्म्स यूज फॉर कस्टम डिक्लेरेशंस आर, तो CN 22 और CN 23 को यूज़ किया जाता है कस्टम डिक्लेरेशन के फॉर्म के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, CN 22 और CN 23। क्वेश्चन नंबर 62 में, एवरेज टाइम टेकन फॉर डिलीवरी ऑफ अ लोकल बिजनेस पार्सल, स्थानीय व्यावसायिक पार्सल के वितरण हेतु औसत समय अवधि क्या है? तो वो है 3 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 में है कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक पैकेट के लिए अधिकतम वजन कितना है? तो अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक पैकेट के लिए जो अधिकतम वेज है, मैक्सिमम वेट की जो सीमा है वो है 2 किलोग्राम तक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्स्ट क्लास मेल, फर्स्ट क्लास की मेल निम्नलिखित में से कौन सी है? प्रथम श्रेणी की डाक में आता है पोस्ट कार्ड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। 65 में है कि इफ़ एन एड्रेस इज नॉट अवेलेबल एट हिज एड्रेस फॉर हाउ मेनी डेज द आर्टिकल कैप्ट इन डिपॉजिट, तो कैप्ट इन डिपॉजिट डिपॉजिट करने के लिए जो समयावधि है, समय की अवधि है वो 7 दिन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, EMO के संदर्भ में कौन सा सत्य कथन नहीं है? तो बेसिकली ऑप्शन नंबर ए में अल्ट्रेशन इन एड्रेस और प्लेस ऑफ पेमेंट, भुगतान के पते एवं स्थान में परिवर्तन करवाया जा सकता है, भुगतान प्राप्तकर्ता के नाम में भी चेंज किया जा सकता है और भुगतान को रोका भी जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी गलत कथन है। क्वेश्चन नंबर 67 में कि फिलैटेलिक ब्यूरो से संबंधित है, फिलैटेलिक ब्यूरो कम्युनिमेटिक स्टैम्प से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट वन है 68 में पूछा गया है कि आर्टिकल एड्रेस टू डिसीज पर्सन मे बी, यानी कि मृत व्यक्ति के नाम से कोई पत्र आता है तो उसका निपटान किस तरीके से किया जाता है? तो उसको किया जाता है ट्रीट एज अ अनक्लेम्ड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। निम्नलिखित में से क्या सेना डाकघर के पते पर बुक नहीं किया जा सकता है? बेसिकली PO गाइड पार्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग मनी ऑर्डर्स को बुक नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, धनादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। फ्रैंक छाप में सम्मिलित है, फ्रैंक छाप यानी कि फ्रैंक इंप्रेशंस में क्या होता है? तो उसमें होता है वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 में है कि जाली टिकटों का निर्माण एवं प्रयोग किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? तो इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता की जो धारा है 263A, उसके तहत हो जाएगा इसका दंडनीय अपराध, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, भारतीय दंड संहिता की धारा 263A। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 में पूछा गया है कि शहरी क्षेत्र के अंतर्गत पत्र प्रेषण हेतु निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है?
यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड व्हेन एड्रेसिंग एन आर्टिकल टू एन अर्बन एरिया। तो बेसिकली पीयू गाइड फर्स्ट के अकॉर्डिंग जो मेथड ऑफ एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग फादर्स और हस्बैंड का नेम है वो कंपलसरी नहीं होता है अगर कोई अर्बन एरिया में कोई डाको भेजता है तो। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 में किसी स्पीड पोस्ट वस्तु का अधिकतम वजन क्या है। मैक्सिमम वेट फॉर स्पीड पोस्ट आर्टिकल इज 35 kg। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 निष्क्रिय खाता क्या है। साइलेंट अकाउंट इज वन वेयर नो ट्रांजेक्शन हैज़ टेकन प्लेस फॉर 3 फाइनेंशियल ईयर। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 में है कि अ डिपोजिटर कैन अप्लाई फॉर इशू ऑफ अ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इन फॉर्म। अगर किसी को चाहिए डुप्लीकेट सर्टिफिकेट तो उसके लिए कौन सा फॉर्म है वो डिपोजिटर इस्तेमाल करता है, तो वो करता है NC-29। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। और ये है एंड इस वीडियो का। धन्यवाद।